दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 की खराब शुरुआत को सफलता के सिलसिले में बदलते हुए जीत की हैट्रिक जमा दी। अपने पहले ही मैच में हार झेलने वाली आईपीएल की इस नई टीम ने लगातार तीसरे मैच में विरोधी टीम को पस्त करते हुए अपना विजयी क्रम जारी रखा है। रवि बिश्नोई और कृष्णप्पा गौतम की कसी हुई गेंदबाजी और फिर क्विंटन डी कॉक के 80 रन की बेहतरीन अर्धशतक की मदद से लखनऊ ने खिताब की दावेदार मानी जा रही दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही लखनऊ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस सीजन की शुरुआत तक एक मजबूत टीम मानी जा रही दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरे मैच में गेंद और बल्ले से पूरी तरह से निराशा हाथ लगी। इस मैच में लखनऊ ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग के लिए बुलाया था। दोस्तों, दिल्ली की पारी को 8वें ओवर से पहले और 8वें ओवर के बाद में बांटा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर की नई और विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन सिर्फ पृथ्वी की ओर से दाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज ने पावर प्ले में लखनऊ के गेंदबाजों की धुनाई कर डाली। ताने लखनऊ के हर गेंदबाज को निशाना बनाया और सिर्फ 30 गेंदों में इस सीजन का पहला अर्धशतक जमाया। शाह 8वें ओवर में सिर्फ 34 गेंदों में 61 रन बनाकर कृष्णप्पा गौतम का शिकार बने और फिर उनके आउट होते ही मैच को लखनऊ के गेंदबाजों ने अपनी तरफ मोड़ लिया। जब वह आउट हुए तब दिल्ली का स्कोर 68 रन था और वार्नर सिर्फ 4 रन बना सके थे, लेकिन वार्नर इससे आगे नहीं बढ़ सके और अगले ओवर में रवि बिश्नोई का शिकार बन गए, जिन्होंने 2 ओवर बाद रोमैन पावेल को भी पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत और सरफराज खान ने पारी को संभाला, हालांकि दोनों लगातार खुलकर रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। दोनों 11वें ओवर से 20वें ओवर तक जमे रहे, लेकिन 57 गेंदों में सिर्फ 75 रनों की साझेदारी कर सके। लखनऊ ने बेहतरीन गेंदबाजी कर उन्हें बांधे रखा। पंत 36 गेंदों में सिर्फ 39 रन और सरफराज 28 गेंदों में 36 रन बनाकर नाबाद लौटे और इसके बावजूद दिल्ली 149 रन ही बना सकी। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ के लिए कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी की। इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स में चोट के बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया के एक ओवर में ही डी कॉक ने लगातार 3 चौके और एक छक्का भी ठोका। हालांकि राहुल ज्यादा तेज और ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर सके, उन्हें कुलदीप यादव ने आउट किया। वही एवन लुइस भी ज्यादा देर नहीं टिके और उन्हें ललित यादव ने पवेलियन लौटा दिया। इन सबसे बेपरवाह डी कॉक ने अपना हमला जारी रखा और 36 गेंदों में इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। वही दीपक हुड्डा भी खुलकर नहीं खेल सके, लेकिन डी कॉक रन बनाते रहे। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले डी कॉक ने 80 रन बनाकर टीम को 122 रनों तक पहुंचाकर अपना काम कर दिया था। उन्हें भी कुलदीप ने आउट किया। लखनऊ को आखिरी 4 ओवरों में 28 रनों की जरूरत थी, जिसमें कुणाल पांड्या ने तेजी से 14 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए आए बडोनी ने 3 गेंदों में ही 10 रन ठोककर मैच खत्म कर दिया।